वो पार्टी की चुनाव से लड़ रही है। हालांकि जनपद में इस वक्त हेमा जी का भी हरी प्रत्याशी होने का बड़ा भारी विरोध है और 10 साल उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है और वो बहुत प्रभावशाली महिला है, अगर वो चाहती तो अपने नेतृत्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से मथुरा को चमका सकती थी। आज तक कोई उद्योग नहीं आया, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी यहाँ, कोई हमारे नौजवान लड़कों को रोजगार नहीं मिला, हमारा टाट पोजियम की वजह से यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकते, नॉन पोल्यूशन उद्योग, तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की समस्या है। ये सोच रहे थे नगर निगम हो जाएगा तो ये पेरिस लंदन फ्रांस बन जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, जाम से जूझ रहा है, गंदगी से जूझ रहा है मथुरा। तो इन सब बातों को विचार करने के लिए मैंने कहा था, हेमा जी मेरे घर आई थी, मैं उनका स्वागत है, सम्मान है, मैंने उस वक्त कहा था कि एक आपस में तालमेल समिति बन जाए, हमारी आपकी बैठ के समन्वय समिति जिसको कहते हैं राजनीतिक स्वरूप से, वो बन जाए, उसमें 5-7 लोग हमारे हों, 5-7 लोग उनके हों, बैठ के हम लोग समय समय पे मीटिंग करें। इन लोगों को महिलाओं के नाम से गाड़ियां ली गई, इनको गाड़ियां नहीं मिल रही हैं महिलाओं को, और लोग कहते हैं साहब हमने जनरल आपके लोकदल के अध्यक्ष से बात कर ली, गाड़ियां किसी महिलाओं के नाम से 16 गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी गाड़ी नहीं मिल रही, तो ये तो अपमान है। एक अपने पेट्रोल डीजल से थोड़ी फूकेंगे चुनाव, हेमा जी लड़के मुंबई जाएंगे या दिल्ली बैठेंगे पार्लियामेंट में, तो हम कार्यकर्ता अपने घर से पैसा फूके, डीजल फूके, पेट्रोल फूके, कुछ जो सक्षम है वो कर सकते हैं, हम नहीं मांग रहे, हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो अपने जो साधन है उनसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसके योग्य हैं, जिनको साधन मिलने चाहिए, वाहन मिलने चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको सब कम्युनिटी जो एक हेल्प होती है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो ये अभी भी समय है। मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी तालमेल बनाकर, और यही नहीं, मैंने वहां भी देखा है मेरठ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल वालों को ज्यादा घास, हिंदी में शब्द है, घास नहीं डाल रही, फिर भी हम बेशर्माई से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया है कि हमको साथ देना। मैं तो जयंत जी की महानता मानता हूं, वो हारे हैं हेमा जी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों भूल जाए, मैं भी हारा हूं हेमा जी से, लेकिन उनके अनुसार मैं भी अनुसरण कर रहा हूं, हालांकि मुझे भी फुरफुरी सी आती है, लेकिन अब क्या करें, लेकिन नेतृत्व का हाथ का वो है आदेश, उसका पालन हमें भी करना पड़ रहा, तो इसलिए हमें कोई विरोध नहीं है, हम हेमा जी का सम्मान कर रहे हैं, हेमा जी